नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात जो कि जुड़ी हुई है दोस्तों नन अदर देन प्रतीक सहजपाल और उमर रियाज से। उमर रियाज जो कि बिग बॉस के घर में इस वक्त धमाल मचा रहे हैं और प्रतीक सहजपाल वो भी धमाल मचा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रतीक के बारे में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया गया बिग बॉस के द्वारा और जिस पर उमर रियाज के भाई ने आपत्ति जताई है और बोला है ये कौन सा बिग बॉस चल रहा है भाई। तो दोस्तों अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने फुल फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। बात करता हूँ कि आखिरकार क्या कहते हैं मिस्टर प्रतीक सहजपाल के लिए उमर रियाज के भाई। यहाँ पर आपको बता दूँ तो प्रतीक सहजपाल के लिए पोस्ट किया जाता है कि अंदाज है प्रतीक का स्वीट, क्या लगता है बाकी घर वालों को, क्या लगता है कि घर बाकी घर वालों को कर पाएंगे ये बीट, और उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है। अब सोशल मीडिया पे जब ये पोस्ट किया गया तो उमर रियाज के भ्राताश्री ने एक जवाब दिया है। उमर रियाज के भ्राताश्री बोले तो दोस्तों कौन, नुमान इलाही, जिनके हमने ऑलरेडी एक बार इंटरव्यू लिया है। नुमान ने उसमें लिखा है भाई ये कौन सा बिग बॉस देख रहे हो आप, कहाँ से हो गया ये स्वीट। जी हाँ दोस्तों, तो प्रतीक सहजपाल के लिए इस तरीके की बातें बोल डाली है नुमान ने, जहां पर उसने पूछा है सवाल कि बिग बॉस ये कौन से बिग बॉस की बात कर रहे हो आप जिसमें कि प्रतीक सहजपाल है स्वीट। वैसे आपको बता दूं दोस्तों तो प्रतीक सहजपाल और उमर रियाज का 36 का आंकड़ा है। उनकी लड़ाई देख के मुझे पारस छाबड़ा और आसिम की लड़ाई याद आ जाती है, जहाँ पे पारस छाबड़ा बैक टू बैक चीज़ें करता रहता था आसिम को, और यहाँ पर जो है प्रतीक भी करता रहता है और उमर भी करता रहता है, वहाँ पे आसिम भी करता रहता था। तो ये बेसिकली साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा थी। ठीक है, अब इस पर आप लोगों को क्या है कहना, क्या वाकई में प्रतीक है स्वीट, तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स।